हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले उसका नाम है आई बी सेवन वन तो इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में एक जानकारी मिलने वाली है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं आई बी सेवन वन जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पाई थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म की कहानी ओरिजिनल जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ संकल्प रेड्डी ने स्टोरी आइडिया संकल्प रेड्डी का ही था जिन्होंने इससे पहले गाजिया नाम की फिल्म बनाई थी दो में वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहे थे उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष सम नाइन थाउजेंड किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्सन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता का तालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डिरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में इज़ डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे जुनैवासी तो के और सहर को इसके वहीं पे स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू गर्गीय सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है फिल्म का डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने खोद किया हुआ है स्टोरी के प्रीमाइज़ के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेच रहे तो जिसमें जो आई बी है उसमें सेवन वन की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो 971 की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आईबी बी सेवन वन नाम दिया हुआ है गाजी टेक की तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइनटीन में देव जामवालकर के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको रोकने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते हैं, इस मिशन में उनके साथ कई और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज़ करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते है? वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी सेट करते हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्णा कुमार विद्युत जाम्वाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जाम्वाल इस फिल्म के साथ पहले फ़िल्म प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पर फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी नाना शेखर वी ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मंत्रो ने कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा आई बी सेवन वन का जो म्यूजिक से साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए जो इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्यु जाम्वाल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैजान खान को अशफाक कुरेजी का रोल दिया गया था असफद भट्ट ने अफजल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का रोल प्ले किया हुआ है दालिब ताहिल ने इस फिल्म में सुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले किया हुआ है होबी धलीवाला ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक हेयर होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मेर सार ने एस आई जे एंड के का रोल प्ले किया हुआ है रहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथम एस वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नयनी ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेंद्र भूतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म से के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को 2022 के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाज़ा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ़ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई हुए उस सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ़ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मजबूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है, वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मज़बूत थे स्टोरी आइडिया तो अच्छा था ही उसके ऊपर डिरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस बढ़िया थी टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नजर आते हुए, वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो बारह मई दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहाँ पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा गया एक्शन सीक्वेंस बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी फिल्म की कहानी में वो थोड़ी लोगों को खली थी आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 800 वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में तो आई पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उसके बाद में फिल्म ने एक डिसेंट पिकअप लिया हुआ था पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन 12 मई को इस फिल्म ने एक करोड़ सड़सठ लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जंप देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25-30 परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज तो हुई थी लेकिन जो एक फिल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीक में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है उस फिल्म ने वीकेंड के मुकाबले वीक डे में ज्यादा कलेक्शन किया सेकंड वीक में जाके उस फिल्म ने काफी बड़े आंकड़े हासिल किए जहां पे उस फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रिफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फिल्म का एक अलग ही क्रेज़ चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस लाख का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ सैटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ओ राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइड्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच वालों ने ख़रीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई बी सेवन वन फिल्म को अगर आप ऑफिशियली इन्जॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार

वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहे थे उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष सम नाइन थाउजेंड किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्सन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता कतालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डायरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में एज ए डिरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नज़र आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे तो तवासी के और सहर कोश के वहीं पर स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू गरगी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तव ने लिखा हुआ है फिल्म का डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने खुद किया हुआ है स्टोरी के प्रीमाइज के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड है तो जिसमें जो IB71 है उसमें 719071 की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो नाइन्टीन की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आई बी वन वन नाम दिया हुआ है गाजी अटेक की तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइन्टी में देव जामवाल कल के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको ने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते है? इस मिशन में उनके साथ कई और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज़ करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते है? वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी सेट करती करते हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्णा कुमार विद्युत जाम्वाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जाम्वाल इस फिल्म के साथ पहले फिल्म प्रोड्यूस करते हुए नजर आए प्रोड्यूसर के तौर तो पे इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ, हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी नाना शेखर वीएस ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक सौ उन्नीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मोन्त्रसो ने कम्पोज किए हुए हैं इसके अलावा आई का जो म्यूजिक है साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए जो इस फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्य जामवाल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते हैं विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एनएस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैजान खान को अश्फाक कुरेसी का रोल दिया गया था असफ भट्ट ने अफल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का रोल प्ले किया हुआ है दालिप ताहिल ने इस फिल्म में जुल्फीकार्टो का रोल प्ले किया हुआ है होबी धलीवाला ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक हेयर होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मेर सार ने एस आई जे एन के का रोल प्ले किया हुआ है रहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथम इस वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नयनी ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेंद्र पुतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म से के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को 2022 के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाजा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ़ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई हुए उस वो सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ़ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मजबूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मजबूत थे स्टोरी आईडिया तो अच्छा था ही उसके ऊपर डिरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस बढ़िया थी टेक्निकली ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नज़र आते वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 12 मई 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहां पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहाया गया एक्शन सीक्वेंस बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी फिल्म के कहानी में वो थोड़ी लोगों को खली थी आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 800 वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में तो आईएमडी पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उसके बाद में फिल्म ने एक डिसेंट पिकअप लिया हुआ था पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन बारह मई को इस फिल्म ने एक करोड़ सड़सठ लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जंप देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25 तीस परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज तो हुई थी लेकिन जो एक फिल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीक डेज में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है उस फिल्म ने वीकेंड के मुकाबले वीक डे में ज़्यादा कलेक्शन किया सेकंड वीक में जाके उस फिल्म ने काफ़ी बड़े आंकड़े हासिल किए जहाँ पे उस फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रेफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फिल्म का एक अलग ही क्रेज़ चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतने स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस लाख का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइड्स के ऊपर तो ओ टी टी राइड्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी वालों ने खरीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ टी टी प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई सेवन वन नाम के साथ आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई बी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली इन्जॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस होट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार

वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते उसके बाद उन्होंने अंतरिक्षम नाइन थाउजेंड किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्सन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता का तालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डायरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में एज डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नज़र आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे जुन तो जुनैवासी के और सहर कोश के वहीं पर स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू गर्गीय सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है फिल्म का डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने खोद किया हुआ है स्टोरी के प्रीमाइज के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेच है तो जिसमें जो आई बी सेवन वन है उसमें सेवन वन सेवनटी वन की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो नाइन्टीन की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आई बी सेवन वन नाम दिया हुआ है गाजी अटैक की तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइन्टीन में देव जाम्बाल कल के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको रोकने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते इस मिशन में उनके साथ कहीं और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज़ करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी सेट करती करते हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्णा कुमार विद्युत जाम्वाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जाम्वाल इस फिल्म के साथ पहले फिल्म प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन तो कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी नाना शेखर वीएस ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मोन्तो ने कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा आई बी सेवन वन का जो म्यूजिक है साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए जो इस फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्य जामवाल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एसपी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते हैं विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ देव जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैजान खान को अश्फाक कुरेसी का रोल दिया गया था असफ भट्ट ने अफल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का रोल प्ले किया हुआ है दालिप ताहिल ने इस फिल्म में सुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले किया हुआ है होबी धलीवाला ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक हेयर होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मीर सार ने एस आई जे एंड के का रोल प्ले किया हुआ है शाहिदुररहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथमेश वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नईनी ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेंद्र पुतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म से के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को दो हज़ार बाईस के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाज़ा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ़ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई हुए उस सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ़ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मज़बूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मज़बूत थे स्टोरी आई तो अच्छा था ही उसके ऊपर डिरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नज़र आते वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 12 मई 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहाँ पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहाया गया एक्शन सिकपॉन्स बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी फिल्म की कहानी में वो थोड़ी लोगों को खली थी आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन आठ वोट मिले हुए हैं जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में तो आई एम डी पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उसके बाद में फ़िल्म ने एक डिसेंट पिकअप लिया हुआ था पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन 12 मई को इस फिल्म ने एक करोड़ सड़सठ लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जंप देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25 तीस परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज तो हुई थी लेकिन जो एक फ़िल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीकडेज़ में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है उस फिल्म ने वीकेंड के मुकाबले वीकडे में ज़्यादा कलेक्शन किया सेकंड वीक में जाके उस फिल्म ने काफ़ी बड़े आंकड़े हासिल किए जहाँ पे उस फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रेफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फिल्म का एक अलग ही क्रेज़ चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस लाख का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइड्स के ऊपर तो ओ टी टी राइड्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी वालों ने खरीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ टी टी प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज के करीब डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई बी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली एन्जॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार

वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष सम नाइन थाउजेंड किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्सन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता तालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डायरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में एज डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे जुने तो वासी के और सहर कश के वहीं पे स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है फिल्म का डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने खुद किया हुआ है स्टोरी के प्रीमाइज के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेच रहे तो जिसमें जो आई बी सेवन वन है उसमें सेवन वन की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो नाइनटीन की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आई बी नाम दिया हुआ है गाजी टेक की तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइन्टी में देव जामवाल कल के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको रखने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते हैं इस मिशन में उनके साथ कहीं और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते है? वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी सेट करते हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्णा कुमार विद्युत जामवाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जामवाल इस फिल्म के साथ पहले फिल्म प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफिक नाना शेखर वी ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मोन्त्रसो ने कंपोज किए हुए इसके अलावा आई बी सेवन वन का जो म्यूज़िक साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए जो इस फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्युत जामवाल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते हैं विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैज़ान खान को अश्फाक कुरेजी का रोल दिया गया था असवद भट्ट ने अफजल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का रोल प्ले किया हुआ है दालिता ताहिल ने इस फिल्म में सुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले किया हुआ है होबी धलीवाला ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक हेयर होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मीर सार ने एस आई जे एंड के का रोल प्ले किया हुआ है रहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथम एस वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नयनी ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेंद्र पुतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म से के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को 2022 के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाज़ा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ़ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई हुई वो सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ़ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मज़बूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मजबूत थे स्टोरी आई तो अच्छा था ही उसके ऊपर डरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस बढ़िया थी टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नजर आते वो आपको जरूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 12 मई 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहाँ पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहाया गया एक्शन सिक्वास बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी फिल्म की कहानी में वो थोड़ी लोगों को खली थी आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 800 वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में तो आई पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उसके बाद में फिल्म ने एक डिसेंट पिकअप लिया हुआ था पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन बारह मई को इस फिल्म ने एक करोड़ सड़सठ लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जंप देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25 30 परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज तो हुई थी लेकिन जो एक फिल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीक डेज में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है उस फिल्म ने वीकेंड के मुकाबले वीक डे में ज्यादा कलेक्शन किया सेकंड वीक में जाके उस फिल्म ने काफी बड़े आंकड़े हासिल किए जहाँ पे उस फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रेफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फिल्म का एक अलग ही क्रेज़ चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस लाख का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो ओ टी राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच वालों ने खरीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप इंजॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई बी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली एन्जॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार गोल

वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष सम नाइन थाउजेंड किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्सन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता का तालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डिरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में इज़ डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे जूनैत तो वासी के और सहर को इसके वहीं पे स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है फिल्म का डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने खोद किया हुआ है स्टोरी के प्रीमाइज़ के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेच रहे तो जिसमें जो आई बी है उसमें सेवन वन सेवनटी वन की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो 971 की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आई बी वन वन नाम दिया हुआ है गाजिया टेक की तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइनटीन में देव जामवालकर के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको रोकने की उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते इस मिशन में उनके साथ कई और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज़ करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी सेट करते हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्णा कुमार विद्युत जाम्वाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जाम्वाल इस फिल्म के साथ पहले फिल्म प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पर फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी नाना शेखर वी ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मंत्रसो ने कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा आई बी सेवन वन का जो म्यूजिक से साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए जो इस फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्युत जाम्वल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते हैं विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैजान खान को अश्फाक कुरेजी का रोल दिया गया था असफ भट्ट ने अफजल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का रोल प्ले किया हुआ है दालिब ताहिल ने इस फिल्म में जुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले किया हुआ है होबी धलीवाला ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक हेयर होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मेर सार ने एस आई जे एंड के का रोल प्ले किया हुआ है रहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथमेश वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नयनी ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेंद्र पुतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म से के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुबम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को 2022 के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाजा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ़ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई हुए उस सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ़ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मजबूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नज़र आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मज़बूत थे स्टोरी आइडिया तो अच्छा था ही उसके ऊपर डिरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस बढ़िया थी टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नजर आते वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो बारह मई दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहां पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहाया गया एक्शन सीक्वेंस बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी

उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जंप देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25-30 परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज तो हुई थी लेकिन जो एक फिल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी उस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीक डेज में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है ज्यादा कलेक्शन किया फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रेफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फिल्म का एक अलग ही क्रेज चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस लाख का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइड्स के ऊपर तो ओ टी टी राइड्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी वालों ने खरीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ टी टी प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई बी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली इन्जॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस हॉट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार

वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे उसके बाद उन्होंने अंतरिक्षम नाइन थाउजेंड किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता का तालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डिरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में एज डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे चुनैत तो वासी के और सहर कश के वहीं पे स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू गर्गीय सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है फिल्म का डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने खोद किया हुआ है स्टोरी के प्रीमाइज़ के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेच रहे तो जिसमें जो आई बी है उसमें सेवन वन नाइनटी की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो नाइन्टीन की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आई बी वन वन नाम दिया हुआ है गाजी अटेक की तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइन्टी में देव जामवाल कल के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको रोकने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते इस मिशन में उनके साथ कई और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी सेट करती करते हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्ण कुमार विद्युत जाम्वाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जाम्वाल इस फिल्म के साथ पहले फिल्म प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी नाना शेखर वीएस ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूज़िक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मोन्त्रासो ने कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा आई बी सेवन वन का जो म्यूजिक है साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए जो इस फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्य जामवाल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते हैं विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एनएस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैजान खान को अश्फाक कुरेसी का रोल दिया गया था असफ भट्ट ने अफल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का रोल प्ले किया हुआ है दालिप ताहिल ने इस फिल्म में सुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले किया हुआ है होबी धलीवाला ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक हेयर होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मेर सार ने एस आई जे एन के का रोल प्ले किया हुआ है रहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथम इस वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नयनी ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेंद्र पुतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म से के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को 2022 के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फ़िल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाजा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ़ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई हुए वो सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ़ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मज़बूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मजबूत थे स्टोरी आई तो अच्छा था ही उसके ऊपर डिरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी टेक्निकली ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नज़र आते वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 12 मई 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहां पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहाया गया एक्शन सीक्वेंस बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी फिल्म की कहानी में वो थोड़ी लोगों को खली थी आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन आठ वोट मिले हुए हैं जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में तो आई पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उसके बाद में फिल्म ने एक डिसेंट पिकअप लिया हुआ था पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन 12 मई को इस फिल्म ने एक करोड़ सड़सठ लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जंप देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25 30 परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज तो हुई थी लेकिन जो एक फिल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीक डेज में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है उस फिल्म ने वीकेंड के मुकाबले वीक डे में ज़्यादा कलेक्शन किया सेकंड वीक में जाके उस फिल्म ने काफ़ी बड़े आंकड़े हासिल किए जहाँ पे उस फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रेफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फिल्म का एक अलग ही क्रेज़ चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस लाख का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ओ टी टी राइड्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी वालों ने खरीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ टी टी प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई सेवन वन नाम के साथ आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई बी फिल्म को अगर आप ऑफिशियली एन्जॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस होट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्सन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार

वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष सम नाइन किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्सन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता का तालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डिरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में एज डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नज़र आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे तो जुनैवासी के और सहर कश के वहीं पे स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू गर्गीय सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है फिल्म का डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने खोद किया हुआ है स्टोरी के प्रीमाइज के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेच है तो जिसमें जो आई बी सेवन वन है उसमें सेवन वन वन की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आई बी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो नाइन्टीन की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आई बी सेवन वन नाम दिया हुआ है गाजी अटेक की तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइन्टीन में देव जाम्बाल कल के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको रोकने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते हैं, इस मिशन में उनके साथ कहीं और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज़ करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते वही सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी सेट करती करते हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्णा कुमार विद्युत जामवाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जाम्वाल इस फिल्म के साथ पहले फिल्म प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पर फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी नाना शेखर वीएस ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मोन्तरासो ने कंपोज किए हुए इसके अलावा आई बी सेवन वन का जो म्यूजिक से साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए जो इस फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्युत जम्वल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एसपी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते हैं विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैजान खान को अश्फाक कुरेसी का रोल दिया गया था असवद भट्ट ने अफल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का रोल प्ले किया हुआ है ताहिल ने इस फिल्म में सुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले किया हुआ है होबी धलीवाला ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक हेयर होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मीर सार ने एस आई जे एंड के का रोल प्ले किया हुआ है शाहिदुररहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथमेश वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नयनी ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेंद्र भूतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म से के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को 2022 के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफ़ी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिस था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाजा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई हुई है उस सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मजबूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मजबूत थे स्टोरी आईडिया तो अच्छा था ही उसके ऊपर डिरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी टेक्निकली फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नजर आते वो आपको जरूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो बारह मई दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहां पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहाया गया एक्शन सिक्वेंस बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी फिल्म के कहानी में वो थोड़ी लोगों को खली थी आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन आठ वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में तो आई पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उसके बाद में फिल्म ने एक डिसेंट पिकअप लिया हुआ था पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन बारह मई को इस फिल्म ने एक करोड़ सड़सठ लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जंप देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25 30 परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज़ तो हुई थी लेकिन जो एक फिल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीक डेज में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है उस फिल्म ने वीकेंड के मुकाबले वीक डे में ज्यादा कलेक्शन किया सेकंड वीक में जाके उस फिल्म ने काफी बड़े आंकड़े हासिल किए जहाँ पे उस फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रेफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फिल्म का एक अलग ही क्रेज़ चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस लाख का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइड्स के ऊपर तो ओ टी टी राइड्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी वालों ने खरीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ टी टी प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज के करीबन डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई बी सेवन वन फिल्म को अगर आप ऑफिशियली इन्जॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार

वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे उसके बाद उन्होंने अंतरिक्षम नाइन किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्सन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता कतालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डायरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में एज डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नज़र आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे जूनत वासी के और सहर कश के वहीं पर स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू गर्गीय सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है फिल्म का डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने खुद किया हुआ है स्टोरी के के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड है तो जिसमें जो आई बी सेवन वन है, उसमें सेवनटी वन, सेवन वन की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो नाइनटी सेवनटी वन की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आई सेवन वन नाम दिया हुआ है गाजी अटेक की तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइनटीन वन में देव कल के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको रोकने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते इस मिशन में उनके साथ कहीं और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज़ करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी सेट करती करते हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्ण कुमार विद्युत जाम्वाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जामवाल इस फिल्म के साथ पहले फिल्म प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफिक नाना शेखर वी ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मोन्त्रासो ने कंपोज किए हुए इसके अलावा आई बी सेवन वन का जो म्यूजिक के साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए जो इस फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्युत जामवाल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते हैं विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ है देव जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैजान खान को अश्फाक कुरेसी का रोल दिया गया था अश्वद भट्ट ने अफसल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का रोल प्ले किया हुआ है दालिता ताहिल ने इस फिल्म में सुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले किया हुआ, हुआ है होबी धलीवाल ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक हेयर होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मेर सार ने एस आई जे एन के का रोल प्ले किया हुआ है शाहिद रहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथमेश वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नईनी ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेंद्र पुतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म से गए प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ़ फ़ोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को 2022 के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाज़ा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ़ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई हुई है सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ़ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मज़बूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मजबूत थे स्टोरी आईडिया तो अच्छा था ही उसके ऊपर डिरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नजर आते वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो बारह मई दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहाँ पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहाया गया एक्शन सिक्वेंस बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी फिल्म की कहानी में वो थोड़ी लोगों को खली थी आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 800 वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में तो आई पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उसके बाद में फिल्म ने एक डिसेंट पिकअप लिया हुआ था पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन बारह मई को इस फिल्म ने एक करोड़ सड़सठ लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जंप देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25 30 परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज तो हुई थी लेकिन जो एक फिल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीक डेज में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है उस फिल्म ने वीकेंड के मुकाबले वीक डे में ज्यादा कलेक्शन किया सेकंड वीक में जाके उस फिल्म ने काफी बड़े आंकड़े हासिल किए जहाँ पे उस फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रेफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फिल्म का एक अलग ही क्रेज़ चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस लाख का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो ओ टी टी है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच वालों ने खरीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ टी प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप एंजॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई फिल्म को अगर आप ऑफिशियली इन्जॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस हॉट के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार

वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष सम नाइन थाउजेंड किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्सन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता का कतालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डायरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में एज अ डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे तो आशी के और सहर कोश के वहीं पर स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है फिल्म का डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने खोद किया हुआ है स्टोरी के प्रीमाइज के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड है तो जिसमें जो आई बी है उसमें सेवन वन नाइनटी सेवनटी वन की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो नाइन्टीन की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आई बी नाम दिया हुआ है गाजी अटेक के तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइन्टी में देव जामवालकर के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको की उनको जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते इस मिशन में उनके साथ कई और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी सेट करती करते हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्णा कुमार विद्युत जाम्वाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जाम्वाल इस फिल्म के साथ पहले फिल्म प्रोड्यूस करते हुए तो नज़र आए प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी नाना शेखर वीएस ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मोन्त्रासो ने कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा आई बी सेवन वन का जो म्यूजिक से साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए जो इस फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्य जामवाल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एस के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते हैं विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ देव जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैजान खान को अश्फाक कुरेसी का रोल दिया गया था असफ भट्ट ने अफल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का रोल प्ले किया हुआ है दालिप ताहिल ने इस फिल्म में अली भुट्टो का रोल प्ले किया हुआ है होबी धलीवाला ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक हेयर होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मेर सार ने एस आई जे एंड के का रोल प्ले किया हुआ है रहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथमेश वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नयनी ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे, पे नरेंद्र भूतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म से के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को 2022 के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाज़ा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ़ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएँ दिखाई हुई उस सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ़ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मज़बूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मज़बूत थे स्टोरी आई तो अच्छा था ही उसके ऊपर डिरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस बढ़िया थी टेक्निकली ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नज़र आते वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो बारह मई दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहाँ पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहा गया एक्शन सीक्वेंस बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी फिल्म के कहानी में वो थोड़ी लोगों को खली थी आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन आठ वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में तो आई पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उसके बाद में फिल्म ने एक डिसेंट पिकअप लिया हुआ था पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन 12 मई को इस फिल्म ने एक करोड़ सड़सठ लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जम्प देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25 तीस परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज तो हुई थी लेकिन जो एक फिल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज हुई थी उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स उस पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीक डेज में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है उस फिल्म ने वीकेंड के मुकाबले वीक डे में ज्यादा कलेक्शन किया सेकंड वीक में जाके उस फिल्म ने काफी बड़े आंकड़े हासिल किए जहाँ पे उस फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रेफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फिल्म का एक अलग ही क्रेज़ चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ टी राइट्स के ऊपर तो ओ राइट्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच वालों ने खरीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ टी प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई बी सेवन वन फिल्म को अगर आप ऑफिशियली इन्जॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार

वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते उसके बाद उन्होंने अंतरिक्षम नाइन थाउजेंड किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्सन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता तालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डिरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में एज डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे है तो वासी के और सहर कश के वहीं पे स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू गर्गीय सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है फिल्म का डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने खोद किया हुआ है स्टोरी के प्रीमाइज़ के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेच रहे तो जिसमें जो आई बी है उसमें सेवन, टी सेवन टी वन की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो 971 की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आईबी सेवन वन नाम दिया हुआ है गाजी अटेक की तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइनटीन में देव जाम्वाल कल के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको रोकने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते है? इस मिशन में उनके साथ कई और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज़ करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते है? वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी सेट करते हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्णा कुमार विद्युत जाम्वाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जाम्वाल इस फिल्म के साथ पहले फिल्म प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए प्रोड्यूसर के तौर पर इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी नाना शेखर वीएस ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मोन्सो ने कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा आई बी सेवन वन का जो म्यूजिक है साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए हैं जो इस फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्यत जामवाल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते हैं विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ देव जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैजान खान को अश्फाक कुरेसी का रोल दिया गया था असवद भट्ट ने अफल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का, का, का रोल प्ले किया हुआ है ताहिल ने इस फिल्म में सुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले किया हुआ है होबी धलीवाला ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक हेयर होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मीर सार ने एस आई जे एन के का रोल प्ले किया हुआ है रहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथमेश वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नयनी प्यार। ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेंद्र भूतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म से के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को 2022 के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीज़र ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाज़ा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ़ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई हुए उस सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ़ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मज़बूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नज़र आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मजबूत थे स्टोरी आइडिया तो अच्छा था ही उसके ऊपर डिरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस बढ़िया थी टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नजर आते वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ तो बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो बारह मई दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहां पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफी सराहाया गया एक्शन सिक्वॉन्स बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी फिल्म के कहानी में वो थोड़ी लोगों को खली थी आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 800 वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में तो आई पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उसके बाद में फिल्म ने एक डिसेंट पिकअप लिया हुआ था पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन बारह मई को इस फिल्म ने एक करोड़ सड़सठ लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जंप देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25 30 परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज तो हुई थी लेकिन जो एक फिल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीक डेज में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है उस फिल्म ने वीकेंड के मुकाबले वीक डे में ज़्यादा कलेक्शन किया सेकंड वीक में जाके उस फिल्म ने काफ़ी बड़े आंकड़े हासिल किए जहाँ पे उस फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रेफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फिल्म का एक अलग ही क्रेज़ चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस लाख का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ टी टी सेटेलाइट राइट्स के ऊपर तो ओ टी टी राइड्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने ख़रीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी वालों ने खरीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ टी टी प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई बी सेवन वन फिल्म को अगर आप ऑफिशियली एन्जॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार

वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे उसके बाद उन्होंने अंतरिक्षम नाइन किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्सन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता का कतालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डायरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में एज डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे जूनत तो वासी के और सहर कश इसके वहीं पर स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है फिल्म का संकल्प रेड्डी ने खोद किया हुआ है स्टोरी के प्रीमाइज के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेच रहे तो जिसमें जो आई बी है उसमें वन टी सेवन टी वन की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो नाइनटीन की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आई बी वन वन नाम दिया हुआ है गाजिया टेक के तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइनटीन में देव जामवाल कल के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको रखने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते हैं इस मिशन में उनके साथ कहीं और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी सेट करती करते हैं इसके अलावा इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्णा कुमार विद्युत जामवाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जामवाल इस फिल्म के साथ पहले फिल्म प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पे फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफिक नाना शेखर वीएस ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मोन्त्रासो ने कंपोज किए हुए इसके अलावा आई बी सेवन वन का जो म्यूजिक से साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए जो इस फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्युत जामवाल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते हैं विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैजान खान को अश्फाक कुरेजी का रोल दिया गया था असवद भट्ट ने अफजल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का रोल प्ले किया हुआ है ताहिल ने इस फिल्म में सुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले किया हुआ है होबी धली ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक हेयर होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मीर सार ने एस आई जे एंड के का रोल प्ले किया हुआ है रहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथम एस वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नयनी ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे प्लें अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेंद्र भूतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए अब हम बात करें इस फिल्म से के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को 2022 के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीज़र ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाज़ा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ़ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई हुई है सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ़ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मज़बूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नज़र आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मजबूत थे स्टोरी आई तो अच्छा था ही उसके ऊपर डिरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेज बढ़िया थी टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नजर आते वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो 12 मई 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहाँ पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहाया गया एक्शन सिक्पांस बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी फिल्म की कहानी में वो थोड़ी लोगों को खली थी आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन आठ वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में तो आई पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उसके बाद में फिल्म ने एक डिसेंट पिकअप लिया हुआ था पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन 12 मई को इस फिल्म ने एक करोड़ सड़सठ लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जंप देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25 30 परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज तो हुई थी लेकिन जो एक फिल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीक डेज में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है उस फिल्म ने वीकेंड के मुकाबले वीक डे में ज्यादा कलेक्शन किया सेकंड वीक में जाके उस फिल्म ने काफी बड़े आंकड़े हासिल किए जहाँ पे उस फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रेफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फिल्म का एक अलग ही क्रेज़ चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस लाख का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो ओ टी टी राइड्स है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच वालों ने ख़रीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज के करीबन डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज़ के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई बी सेवन वन फिल्म को अगर आप ऑफिशियली एन्जॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार

वो काफ़ी बड़ी हिट और सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी वैसे भी वो अपने फिल्मों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे उसके बाद उन्होंने अंतरिक्ष सम नाइन किलोमीटर पर आवर बनाई थी तो वो फिल्म एक डिसेंट फिल्म थी जो एक साइंस फिक्सन एडवेंचर फिल्म थी उसके बाद में उन्होंने पिता का तालो फिल्म में एक पिंकी सेगमेंट था उसमें अपना डायरेक्शन दिया हुआ था और उसके बाद में फाइनली वो हिंदी वर्जन में एज डायरेक्टर के तौर पे डेब्यू करते हुए नजर आए जहाँ पे जो फिल्म की स्टोरी है वो आदित्य शास्त्री की थी डायलॉग थे तो तवासी के और सहर कोश के वहीं पर स्क्रीन प्ले संकल्प रेड्डी अर्जुन वर्मा ई वासुदेव रेड्डी अरुण भीमावरपू गर्गीय सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने लिखा हुआ है फिल्म का डायरेक्शन संकल्प रेड्डी ने खोद किया हुआ है स्टोरी के प्रीमाइज के ऊपर बातचीत करें तो 97 के ऊपर इस फिल्म की कहानी बेस्ड है तो जिसमें जो आई बी सेवन वन है उसमें सेवन वन सेवनटी वन की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ही है वहीं पे आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो नाइनटीन की जो इंसिडेंट हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर इस फिल्म की कहानी को बनाया हुआ है जिसको आई बी सेवन वन नाम दिया हुआ है गाजिया टेक के तरह भी इस फिल्म को भी डायरेक्टर ने काफ़ी बखूबी तरीके से दिखाया हुआ है जहाँ पे नाइनटीन में देव जम वालकल के एक आई एजेंट है जिनको पाकिस्तान और चाइना को चाइना से इंडिया को बचाने के लिए असाइन किया जाता है जो एयर स्पेस के थ्रू इनको रोकने की उनको जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ पे वो किस तरह से इस मिशन को अंजाम देते इस मिशन में उनके साथ कहीं और एजेंट जुड़े हुए उनका यूज़ करते हुए किस तरह से वो इंडिया को बचाते वही सब चीज़ें फिल्म की कहानी सेट करते हैं इसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार कृष्णा कुमार विद्युत जाम्वाल और अब्बास सैयद ने विद्युत जामवाल इस फिल्म के साथ पहले फिल्म प्रोड्यूस करते हुए नज़र आए प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ उन्होंने डेब्यू किया हुआ है उनका फिल्म प्रोडक्शन का नाम है एक्शन हीरो फिल्म तो इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट और एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन पच्चीस से तीस करोड़ के बजट में बनाया हुआ है तो एक डिसेंट बजट में बनी फिल्म है जहाँ पर फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी नाना शेखर वीएस ने की हुई है एडिटिंग संदीप फ्रांसिस ने की हुई है जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से भी कम के रन टाइम के साथ देखने को मिलेगी एक घंटा और उनसाठ मिनट का रन टाइम है फिल्म का जहाँ पे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ है जो गाने वो विक्रम मोन्त्रासो ने कंपोज किए हुए हैं इसके अलावा आई बी सेवन वन का जो म्यूज़िक है साउंड ट्रैक है उसके राइट टी सीरीज़ वालों ने अपने ही पास रखे हुए जो इस फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर है इसके साथ ही में इस फिल्म के प्रोड्यूसर के तौर पे अविद्य जामवाल ने अपना एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू किया हुआ है तो इस तरह से इस फिल्म के साथ प्रोडक्शन कंपनीज़ जुड़ी हुई है अब हम बात कर लेते इस फिल्म के दूसरे कुछ एसपी के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म की कास्टिंग से शुरुआत करते हैं विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया हुआ देव जामवाल का जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंट है वहीं पे अनुपम खेर आईबी चीफ एनएस अवस्थी का रोल प्ले करेंगे विशाल जेठवा ने कासिम कुरेसी का रोल प्ले किया हुआ है फैजान खान को अश्फाक कुरेसी का रोल दिया गया था असफद भट्ट ने अफल अगा का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ है सूरज जोशी ने जोशी का रोल प्ले किया हुआ है दालिब ताहिल ने इस फिल्म में जुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले किया हुआ है होबी धलीवाला ने इस फिल्म में अब्दुल हामिद खान का रोल प्ले किया हुआ है निहारिका रायजादा एक एजेंट के तौर पर एक होस्टेस के तौर पर दिखाई देंगी इनके अलावा मीर सार ने एस आई जे एंड के का रोल प्ले किया हुआ है रहमान को इस फिल्म में तपन मजमूदार का रोल दिया गया था प्रथमेश वी जाधव इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे प्यारली नयनी ने इस फिल्म में शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे अमित आनंद राउत ने इस फिल्म में लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है रजत रॉय ने आईबी ऑफिसर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नरेंद्र भूतानी को इस फिल्म में इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल दिया गया था तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में कुछ इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं अब हम बात करें इस फिल्म से के प्रोडक्शन के ऊपर तो फिल्म की प्रोडक्शन की शुरुआत 2022 में की गई थी प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी और जनवरी 2022 मुंबई में सेट की हुई थी मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था बाद में इस फिल्म को 2022 के एंड तक कंप्लीट करवाया था बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का, का काम किया गया और 2023 में रिलीज़ के लिए फिल्म को तैयार किया गया था इस फिल्म का टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ था उसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव साइड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था फिल्म का मार्केट में बस डिसेंट था लेकिन जिस तरह से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला उससे अंदाजा लगा कि एक काफ़ी बढ़िया फिल्म है जहाँ पे फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की तारीफ़ की गई किस तरह से इस फिल्म में जो घटनाएं दिखाई हुए वो सभी चीज़ों के लिए डायरेक्टर की तारीफ की गई स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी मजबूत नज़र आया था लोगों को फिल्म के डायलॉग्स भी पसंद आए स्टोरी फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी जिस तरह से जो कहानी पकड़ी हुई है उस कहानी के साथ डायरेक्टर ने जिस तरह से काम किया है वो काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से उन्होंने गाजी अटक के साथ हमें कनेक्ट किया था ठीक उसी तरह इस फिल्म के साथ वो काफ़ी बढ़िया तरीके से कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी हेवी और मजबूत थे स्टोरी आई तो अच्छा था ही उसके ऊपर डरेक्शन काफ़ी बढ़िया था आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसिस बढ़िया थी टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से बनी हुई थी इसके अलावा विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेठवा फैजान खान असवंत भट्ट सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है विद्युत जामवाल ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल में काम किया हुआ था अनुपम खेर ने एज यूजल अपना रोल अच्छी तरह से डिलीवर किया हुआ है विशाल जेठवा का स्पेशल मेंशन करूंगा उनका काम काफ़ी बढ़िया था जिस तरह से अपने किरदार के साथ वो काम करते हुए नजर आते वो आपको ज़रूर पसंद आएगा फिल्म की एडिटिंग डिसेंट थी अच्छी थी कह सकते हैं इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से की गई थी लोकेशंस को जिस तरह से शोकेस किया हुआ था वो बढ़िया था इसके अलावा प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की काफ़ी बढ़िया थी इसके साथ इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट रिलायंस एंटरटेनमेंट ने करवाया हुआ था जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी है जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिलवाया हुआ था अब रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो बारह मई दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चलते इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा रिस्पांस हासिल किया ऑडियंस की तरफ से जहां पे विजय जामवाल अनुपम खेर और विशाल जटवा की परफॉर्मेंस को काफ़ी सराहाया गया एक्शन सीक्वेंस बैकग्राउंड स्कोर ये सभी चीज़ें भी लोगों को पसंद आई थी लेकिन जो स्क्रीन राइटिंग की जो प्रिडिक्टेबिलिटी थी फिल्म की कहानी में वो थोड़ी लोगों को खली थी आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन 800 वोट मिले हुए जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई है दस में तो आई पे भी एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल हुई इस फिल्म को जिस तरह की ओपनिंग मिलनी चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली लेकिन फिर भी उसके बाद में फिल्म ने एक डिसेंट पिकअप लिया हुआ था पहले दिन यानी कि फ्राइडे के दिन 12 मई को इस फिल्म ने एक करोड़ सड़सठ लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से किया उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया जिसके चलते 50 परसेंट जितना एक जंप देखने को मिला सैटरडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ इक्यावन लाख का नेट कलेक्शन किया उसमें भी करीबन 25-30 परसेंट और जंप देखने को मिला जिसके चलते संडे में इस फिल्म ने इंडिया से तीन करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि इस फिल्म के साथ काफ़ी सारी दूसरी फिल्में भी रिलीज तो हुई थी लेकिन जो एक फ़िल्म थी यानी कि द केरला स्टोरी वो इससे एक वीक पहले रिलीज़ हुई थी उस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाई हुई है जो फिल्में वीक डेज में डे बाय डे कलेक्शन कम करती है उस फिल्म ने वीकेंड के मुकाबले वीक डे में ज़्यादा कलेक्शन किया सेकंड वीक में जाके उस फिल्म ने काफ़ी बड़े आंकड़े हासिल किए जहाँ पे उस फिल्म ने सेकंड संडे के ऊपर द केरला स्टोरी ने हाईएस्ट रिकॉर्ड कलेक्शन अपने सिंगल डे का हासिल किया जो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों ने उस फिल्म को पहले प्रेफर किया हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म बुरी है फिल्म अच्छी है लेकिन वो फ़िल्म का एक अलग ही क्रेज़ चल रहा है मार्केट में लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टॉक चल रहा है जिसके चलते इस फिल्म को उतनी स्क्रीन्स नहीं मिली लेकिन जितनी भी स्क्रीन्स मिली उसमें फिल्म डिसेंट रही जहाँ पे इस फिल्म ने सात करोड़ छत्तीस लाख का एक नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ है तो फिलहाल में इस फिल्म ने इंडिया से इतना कलेक्शन किया हुआ है अब देखते हैं आने वाले समय में ये फिल्म कितना लंबा रन लेती है और बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का कमाल कर पाती है अब बात करें ओ टी टी राइट्स के ऊपर तो ओ टी टी है वो डिजनी प्लस हॉटस्टार वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच वालों ने खरीदे हुए इसका मतलब कि जब भी इस फिल्म का ओ टी प्रीमियर होगा वो डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर होगा थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन डेढ़ दो महीने के बाद ये फिल्म आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी जहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पे फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा थिएट्रिकल रिलीज के सात आठ महीनों के बाद तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आई फिल्म को अगर आप ऑफिशियली एंजॉय करना चाहते हो तो वो आने वाले समय में आपको डिजनी प्लस हॉट के ऊपर विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको आने वाले समय में स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में नजर आएगा तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आने वाले समय में एंजॉय कर पाओगे तो बस गाय आई बी सेवन वन फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है इस फिल्म को कैसे ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है इस फिल्म का एक रिव्यू किया हुआ है कहानी के ऊपर एनालिसिस एक्सप्लेनसन की हुई है स्टारकास्ट के सपोर्टिंग कास्ट की दोनों की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट और सभी एस्पेक्ट के ऊपर हमने डीप में चर्चा कर ली है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू